नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सहारनपुर में ट्रांसपोर्ट नगर सड़क दुधली स्थित निष्काम पब्लिक स्कूल में भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कामिल हुसैन की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का संचालन अंकित सैनी, जावेद मलिक, उस्मान अली ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह, जिले के सिंह, जिला महासचिव पुवारका, ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण आदि का फूल मालाएं साल उड़ाकर जोरदार नारेबाजी करते हुए स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह जी ने संगठन का विस्तार करते हुए टोपी पहनाकर आरिफ मलिक को मंडल महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह ने कहा कि भाकियों ने हर दम हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है, उनके दर्द को समझा है, लेकिन सरकारें हमेशा किसानों के साथ खिलवाड़ करती आई है। आंदोलन समाप्ति के लिए भाजपा शासित केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे कोई वादा पूरा नहीं किया, न ही गन्ना मूल्य की घोषणा की गई, न ही किसानों पर से मुकदमे वापस लिए गए और ना ही एमएसपी पर अभी तक कोई कानून बनाया गया है। अगर सरकार जल्द से जल्द कानून नहीं बनाती है तो किसान दिल्ली का रुख करने के लिए हरदम तैयार है। भाकियू के जिला महासचिव जिले सिंह की जी ने कहा कि किसानों का शोषण किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार एमएसपी पर जल्द से जल्द कानून बनाए, गन्ना मूल्य 500 क्विंटल किए जाने और दिल्ली आंदोलन में जिन किसानों ने अपना बलिदान दिया है उन सबको सरकार शहीद का दर्जा दे। ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण ने कहा कि योगी सरकार ने किसान बिल माफी का ऐलान किया था परंतु वह झूठ निकला। किसानों के बिल और ज्यादा बढ़कर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आदेश है कि 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान किया जाए परंतु जिले में भुगतान की स्पीड बहुत धीमी है, तो वहीं दूसरी ओर खेतों में आवारा पशुओं से किसान परेशान और सरकार आंखें मूंद चुप्पी बैठी हुई है। आरिफ मलिक ने कहा कि मुझे जो मंडल महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए मैं जिला अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह जी से मंडल अध्यक्ष नवीन राठी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं और मेरी साथी तन मन धन से ईमानदारी के साथ संगठन के बाबा टिकैत की नीतियों पर चलकर किसानों की लड़ाई लड़ने, उनकी सेवा करने के लिए हरदम तत्पर रहेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में राव सतार ब्लॉक प्रचार मंत्री पुवारका, जावेद मलिक, अंकित सैनी, संजय करासानिया, सुनील यादव, शौकीन मलिक, परवेज नौशाद मलिक, गजेंद्र सिंह, ओमपाल सिंह, रविंद्र पनियाली, नूर वचन सिंह, भूरा मुस्तकीम, नसीम सदाम, नदीम इस्लाम, मोहम्मद इरशाद, नजाकत जावेद अली, राजीव मोंगरा, परवेज सोनू, ताली बुरहान, तबरेज राशिद पंडित, शेर अली खान, गफ्फार खान, बुरहान अली, डॉक्टर नौशाद सोराब, डॉक्टर सुहेल एहतसाम अंसारी, इदरीस अंसारी, शकील हारून, उस्मान हैदर अली, फैसल जावेद सलामी, नौशाद आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता सुधीर भारद्वाज। खासकर इस सरकार तो दो तीन मुद्दे में यही है, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान। लोग इतनी वोट नहीं दे रहे हैं जैसा हाल इनका हो रहा, पर वही डॉक्टर ये जबरदस्त बेमान है। इसमें तो भैया बेमान सरकार है, इससे तो देखो सावधान होना पड़ेगा। सब जिले में कहीं हो गए तो ये झूठ बोल रहे हैं। अगर जाटों का संगठन या बुजुर्गों का संगठन आ जाता हो बहुत जोर। तहसील अध्यक्ष अलोक सिंह जी, डिप्टी कमिश्नर जी के साथ मीटिंग थी एक दो ढाई घंटे की, और जिला महासचिव जिले सिंह जी का सोल डालकर स्वागत हमारे बीच में मौजूद है। ब्लॉक अध्यक्ष कुमार का प्रवीण कुमार जी के सोल उड़ाकर संजय करसानिया जी स्वागत करें। चार मंत्री का सोल उड़ाकर
मैं जब इतनी उम्र थी 36 साल और 36 जी संगठन में वे भाग गया और उन्हें रोका था चौधरी साहब और ना मार देनी मैं मर जाऊंगा फिर भाग जाऊंगा ने विदेशों में इतना कड़ा धन जमा भगवान क्योंकि वो फिल्म आज भी गया था गाँव आज गया तो पागल मतलब सब पागल होता है बड़ा है तो यार इसका बड़ा हथियार तो है नहीं हो मैं अपनी बातों पर आप लोगों के जितने काम होंगे उन्हें करने की बहुत कोशिश है और आपके किसी भी काम से हम पीछे नहीं हटेंगे यार टाइम थोड़ा कम है स्वागत करें भाई हिंदू खतरे में आए हम और आपकी यहाँ की लंबी देख लो तमाम आप बात करें और इन्हें अपने संगठन में सक्रिय करें पद लेना और सक्रिय होना दोनों अलग अलग बात है पद की मंत्री ने 19-18 तारीख की रात मनोहर सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष जी जिला महासचिव उजले सिंह जी प्रवीण जी और यहाँ पे पधारे और जिनका नाम रह गया या सम्मान कोई मेरे से चूक होगी मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा क्योंकि भूल चूक हो जाता है जब आदमी पे रहता है और सभी साथी यहाँ सम्मानित आए हैं सभी अपने स्थान पे बैठे रहे थोड़ा सा हमारे साथी लगे हुए हैं नीचे वो भी अपना थोड़ा सा जलपान की व्यवस्था है और इसी बीच में मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से और कार्यक्रम को समापन करता हूँ धन्यवाद यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगा इजाजत नमस्कार।